गारंटी दे रहा हूँ, आप मरघट खाने में भी जाओगे, शमशान घाट में भी जाओगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज वनरक्षक सुनील कुशवाहा। और देखिए, मैंने मतलब बहुत दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि मेरे जो स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं वनरक्षक मतलब फॉरेस्ट के जो वनरक्षक की नौकरी है उसको जानने के बारे में, कि मतलब ये नौकरी के बारे में सब कुछ बताएं हमको, कैसे भर्ती होती है, क्या काम करना होता है रिटायरमेंट के बाद में, ये सब चीज़ों के बारे में मुझसे मेरे जो व्यूअर हैं जानना चाहते हैं। और मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन बार बार जब मैं नए वीडियो बना रहा हूँ तो उन पर भी यही कमेंट आ रहा है कि सर आप उसके बारे में बताइए, वनरक्षक की नौकरी के बारे में। तो इसी के लिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप पीछे वाली वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए आपने मुझे कमेंट किया है। तो इसी के चलते मैं दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, खासकर स्टूडेंटों की डिमांड पर, कि वनरक्षक के शुरू से बताइए सर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले वनरक्षक की नौकरी के बारे में कि आपको भर्ती कैसे होना। देखिए, ये जितने भी राज्य हैं उन सब के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल मैं जिस राज्य में मैं नौकरी करता हूँ, ये वनरक्षक की जो नौकरी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जॉब है, ये जितने भी राज्य हैं ना सब में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोस्तों जो हमारा एक्ट वगैरह जो है वो भारतीय वन अधिनियम 1927 को यूज़ करते हैं, वाइल्ड प्रोटेक्ट एक्ट 1972, ये सब मतलब ये जो वनरक्षक की जो नौकरी है वो आप ये समझिए कि सबके लिए सेम है। ठीक है, सबसे पहली बात कि सर वनरक्षक को भर्ती कैसे होना। देखिए, आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वनरक्षक की भर्ती होगी, तो इसके लिए आपको मालूम कहाँ चलेगा, या तो मेरे एक और चैनल क्लास पर स्टडी, आप उस पर जाइए, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, या फिर आप नेट इंटरनेट पर मतलब थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं नेट पर, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो कोचिंग में, कोचिंग वालों से भी आप संपर्क कर सकते हो कि कब तक इस मतलब आ रही हैं भर्तियाँ, तो उसके बारे में आप जान सकते हो कि कब तक वैकेंसी आएंगी और आप आराम से भर्ती हो सकते हो। सबके मतलब राज्य में अलग अलग प्रोसेस होती है, सबका अलग अलग फिजिकल होता है, सबका अलग अलग क्या होता है एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। अब सैलरी कितनी होती है, तो देखिए ये भी आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि सैलरी कितनी होती है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ, तो मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो लगभग 20,000 के आसपास आपकी चालू होगी, ठीक है, जो कॉन्स्टेबल की होती है वो लगभग फॉरेस्ट गार्ड की होती है। सर ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ड्यूटी जो वनरक्षक की होती है वो होती है 24 घंटे की। जी हाँ सर, ये 24 घंटे ड्यूटी करना कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बहुत जगह होता भी है, सब जगह 24 घंटे की ड्यूटी होती है भैया। पुलिस कॉन्स्टेबल की 24 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन वो भी करते हैं तो हम भी करते हैं। अभी ऐसा नहीं है घर नहीं जाओ या फैमिली के साथ नहीं रहो, आराम से घर भी जा सकते हो, वो सब मैनेज कर होता रहता है अपने ऑफिसर के हिसाब, जो ऑफिसर जो होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। छुट्टी कितनी मिलती है, तो देखिए दोस्तों सबको छुट्टी मिलती है, वो हमको मिलती है, जैसे 13 CL मिलती हैं, ठीक है, पूरे साल में, और 30 EL मिलती हैं, कुल मिलाकर 43 डेज की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा फेस्टिवल छुट्टी कुछ नहीं होती, त्यौहार में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, आपको त्यौहार पे कोई ना संडे ना वनडे ना कुछ, ठीक है, तो त्यौहार में छुट्टी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी नहीं मिलती और वैसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, तो ये 43 आपके पास छुट्टी है जो आप जब चाहो आप ले सकते हो और पूरी हो जाएंगी, तो आपको लीगल छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब सर आप ये बताइए, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जंगल जाते हो तो हथियार ले जाते हो? बिल्कुल भाई, हथियार के नाम पर एक डंडा होता है, डंडा आप समझते हो, डंडा जानते हो ना, ये पेड़ इसका डंडा तोड़ दिया तो डंडा होता है बस, इसके अलावा हमको कोई हथियार नहीं दिया जाता, ना ही हमको बंदूक दी जाती ना कुछ दी जाती। आप ऐसा बोला जाता है कि आपको क्या हो सकता है जंगल में बंदूक की, हम लोग बहुत सालों से मांग कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे वनरक्षक वादी साथी मतलब कुछ एक दो को तो मैं जानता हूँ वो शहीद हो चुके हैं, और आपको पता है कि ऑल इंडिया में आपने बहुत बार देखा होगा कि इस पर हमला हुआ, इस पर ये हुआ, मर जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, तो ये बहुत ही मतलब ड्रॉबैक है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि आपको वेपन्स नहीं दिए जाते, ठीक है ना। सर सरकारी क्वार्टर मिलता है क्या? देखिए सरकारी क्वार्टर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, आप आवेदन दोगे आपको मिलेगा, तो सबको मिलता है सरकारी क्वार्टर जो वनरक्षक भाई होते हैं, जहाँ आपकी ड्यूटी होती है वहाँ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूटी कहीं है कहीं पर और आपको किसी सिटी में शहर में आपको क्वार्टर चाहिए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ आपकी ड्यूटी होती है वहाँ आपको मिलता है रहने के लिए सरकारी निवास, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो लगभग सबको अवेलेबल है। अब क्वेश्चन है कि सर प्रमोशन का क्या है? तो देखिए प्रमोशन होते हैं वनरक्षक के लगभग हमारे MP में, देखिए 10-11-12 साल के आसपास, आप एवरेज मान लीजिए आपको 1 स्टार लग जाएगा, ठीक है, यहाँ उसके 4-5 साल बाद 2 स्टार लग जाएंगे, और उसके 5-6 साल बाद आपको या 10 साल बाद आपको 3 स्टार लग जाएंगे, मतलब रिटायरमेंट तक आप रेंजर बन जाओगे, ये होता है, ठीक है ना। अगर आपकी नौकरी सही से चलती रही तो आप सस्पेंड नहीं होता। सस्पेंड क्या होता है? देखिए आप जब कोई काम ठीक से नहीं करोगे तो आपको एक सज़ा दी जाती है सस्पेंड की, और वो आपको लगभग 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने तक आपको कर दिया जाता है, तो वो सस्पेंड होता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं आपके साथ नहीं होता ज़्यादा, तो फिर अलग उसके अलग अलग रूल्स हैं, वो कभी आप जॉब लग जाएगी तो आपको सब मालूम चल जाएगा, बड़ी चीज़ नहीं है। सर खाना सरकारी मिलता है क्या? तो देखिए भाई खाना कहीं सरकारी नहीं मिलता, खाना खुद का सैलरी से खाना होता है, कोई सरकारी खाना नहीं मिलता। हम लोग भी खाना बनाते हैं चौकी पर, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो खाना वाना कहीं नहीं मिलता, जो भी है वो सब अपनी बनाते हैं चौकी पर,
और सर स्वच्छ श्रमिक मिलते हैं साथ में। देखिए यदि आपकी बीच में कोई प्लांटेशन है या कोई वर्क है तो आपको स्वच्छ श्रमिक मिलता है, आपको नहीं मिलता एक्चुअल में, उस वर्क को करने के लिए मिलता है। फिर आप उसके जैसे अपने हिसाब से आप उसको जंगल में भी अपने साथ में ले जा सकते हो, आप अपने चौकी पर उसके साथ में रह सकते हो, आपके लिए खाना बना दे, तो वो सेकेंडरी है, बना दे या ना बनाए वो उसकी प्रॉब्लम है, या वो आपकी बॉन्डिंग है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि वो आपके लिए खाना बनाएगा, लेकिन यदि बना देता है तो अच्छी बात है, आप भी खाइए वो भी खाएगा, तो ऐसा होता है। बाकी मिलता है, लेकिन जनरली आपकी बीट में एक है प्लांटेशन वांटेशन हो तो आपको एक स्वच्छ श्रमिक जरूर मिल जाता है एक दो, उससे आपका काम बढ़ता चलता रहता है। सर इसमें क्या अपने ज़िले में पोस्टिंग हो जाती है क्या, जैसे मान लीजिए मैं जिस ज़िले में हूँ क्या उसी ज़िले में पोस्टिंग हो जाती है, पुलिस में नहीं होती, इसमें हो जाती है क्या? बिल्कुल, वनरक्षक की जो पोस्टिंग है वो आपके घर पर भी हो सकती है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं हो सकती, तो वो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर पर पोस्टिंग हो सकती है, आपकी आराम से हो सकती है, जहाँ आप रहते हो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए यदि आपको जानना हो कि वनरक्षक में मेडिकल में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है और कैसे इसकी जॉब लगती है, तो मेरा एक और चैनल है क्लास पर स्टडी, आप उस पर जाइए विजिट करिए, वहाँ पर मैं इसकी जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है। बाकी बेसिक जो क्वेश्चन है उसमें से स्टूडेंट लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है कि सर आप ये बताइए कि जो वर्दी है ना ये किस प्रकार की होती है? भाई वर्दी समझ रहे हो, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि वर्दी बस यही अलाउ होती है, ये सर्दियों में ये वाली अलाउ होती है, गर्मियों में थोड़ी सी लाइट हो जाती है वो होती है, जैसे इस कलर की गर्मियों में पूरी वर्दी होती है, ठीक है, जैसे पेंट वेंट सब इसी कलर होता है। अच्छा एक चीज़ आपको, ये जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट आप लगाए हुए हो ये आपको रेड कलर का मिलता है, ठीक है, ब्राउन कलर का, क्यों? क्योंकि ऐसा दिया गया है भारतीय वनाधिनियम 1927 की धारा 2 में दिया गया है कि वनरक्षक भी एक वनाधिकारी होता है, और ये रेड बेल्ट जो है ये रिबन जो है ये केवल अधिकारियों को मिलते हैं, तो ये आप एक थोड़ा सा मान सकते हो कि रेड बेल्ट लगा के और रिबन लगा के थोड़ा सा वर्दी बहुत अच्छी लगती है, आप अधिकारी वाली फीलिंग आपको आती है, तो ये अच्छी चीज़ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ना। इसके अलावा जो वर्दियाँ होती हैं वो लीगली अलाउ नहीं होती हैं, मतलब फील्ड में आप पहन सकते हो, बाकी वो आपने देखा होगा मेरे, मैं कई बार वर्दी पहने होता हूँ वो आर्मी जैसी, वो आप फील्ड में पहन सकते हो, लेकिन ऑफिस में जब आप जाओगे तो यही वर्दी पहन के आप जाने वाला है, ठीक है ना। और अगर फैमिली की तो आप फैमिली को साथ में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखना होगा अपनी क्वार्टर पर सरकारी क्वार्टर रख सकते हो, नहीं रखना चाहो आप अकेले रहिए फैमिली आपकी, आप जहाँ बच्चे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो वहाँ रख सकते हो, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको रखना ही है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप हर जगह आपको फैसिलिटी मिल जाएगी फैमिली रखने की, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, आपकी पोस्टिंग जंगल में होती है तो ऐसे बहुत बहुत कम होता है कि आप वहाँ पर फैमिली को रखो, बहुत सारे रखते भी हैं लेकिन बहुत सारे कम रखते हैं क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, तो वो एक मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आखिरी में साथियों, जो वनरक्षक की जो जॉब होती है मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से तो काफ़ी टफ होती है, और क्योंकि 24/7 की जॉब होती है, आपको फैसिलिटी कम मिलती हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा मतलब आप अकेलापन फील करते हो, लेकिन मैं तो नहीं करता क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना, आप मेरे साथ ही हो ना, और जहाँ भी मैं मुझे अकेलापन फील होता है मैं आप अपने मोबाइल निकाल के आपसे बात करने लगता हूँ, तो मुझे तो अकेलापन जो है वो कम फील होता है, बाकी और जो है वो उनको बहुत सारा वो होता है, तो ये बस एक ड्रॉबैक है इसमें फॉरेस्ट में। अब क्वेश्चन स्टूडेंटों का ये और जो मेरे छात्र हैं वो कि सर क्या जंगल में अकेला जाना होता है? तो देखिए दोस्तों, एक वनरक्षक की जॉब होती है, ये पूरा एक जंगल बीट है, मान लीजिए एरिया है, बहुत बड़ा एरिया होता है, 15,000-20,000 तक बीघा का घास पर बड़ा बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसमें क्या होता है वनरक्षक को एक अकेले की जिम्मेदारी होती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसको बचाना है। आप सोचिए कि इतना बड़ा जंगल एक वनरक्षक अकेला कैसे बचाएगा? तो बस यही एक वनरक्षक की भावना है एक, और लोगों को ये मानना चाहिए कि ये वनरक्षक एरिया, यदि कोई इस पेड़ को काटता है तो उसको ये डर होना चाहिए कि ये पेड़ जो है ये इसको काटते मुझे वनरक्षक आके पकड़ लेगा, मुझे पनिश करेगा और मुझे मुझ पर कार्रवाई करेगा, तो उसको डर होना चाहिए तो इसको नहीं काटेगा। यदि आप सोचो कि इसको डर नहीं है और आप मतलब ये सोचो कि आप उसको अगर पकड़ लो तो हमेशा तो आप नहीं पकड़ पाते हो, और बाकी अगर उसने काट के चला गया हो तो आप उसको केस बना सकते हो, मालूम चल गया तो, नहीं तो अज्ञात के नाम से केस बना दो, नहीं मालूम चला तो ये सब रहता है। बस बात यही है कि अकेला नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी रखते हैं हम लोग क्योंकि जॉब है, जो हमको काम दिया वो तो करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें हैं ना। एक कॉमन कमेंट कि सर रात में ड्यूटी आना पड़ता है, बिल्कुल मैं रात में बहुत बार ड्यूटी गया हूँ, आपको मेरे चैनल पर ब्लॉग मिल जाएंगे, आप सर्च करिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड नाइट ड्यूटी, मेरे ही वीडियो आएगा। रात में अकेला भी जाना होता है, ग्रुप में भी जाना होता है, वैसे ज़्यादा तो हम ग्रुप में जाते हैं लेकिन बहुत बार अकेला जाना होता है जब कंडीशन फंस जाती है, मैं रात में 2-2 बजे अकेला आया हूँ। अच्छा एक चीज़ और, जब आप वनरक्षक की जॉब कर लोगे तो आपको जो डर है ना वो जल्दी से निकल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप मरगट खाने में भी जाओगे, शमशान घाट में भी जाओगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा जब आप वनरक्षक की जॉब कर लोगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे डर नहीं लगता, ना तो भूतों से डर लगता, ना तो किसी चीज़ से लगता है, डर लगता है तो इंसानों से लगता है, वो एक ऐसा जानवर है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, बाकी हमारे जंगली जानवर जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ एक चीज़ और, कैसा जंगली जानवर अटैक नहीं करते क्या? देखिए जंगली जानवर बेचारे मेरे आसपास कभी होंगे भी ना तो मुझे देख के भाग जाएंगे, उनको डर लगता है इंसानों से, जंगली जानवर कभी अटैक नहीं करते, जंगली जानवर को डर लगता है इंसानों से, तो ऐसा नहीं है कि वो हम पर अटैक कर देंगे भैया, वो बचते हैं हमसे, भागते हैं हमसे, ठीक है, क्योंकि उनको मारने वाला कौन? इंसान ही है। तो वैसे तो मुझे जंगली जानवर ने कभी अटैक किया नहीं है, लेकिन
कुछ कंडीशन है, जैसे वहाँ पे तेंदुए है उसके साथ में उसके बच्चे हैं उसकी या उसकी फीमेल वगैरह दो साथ में, तो वो आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो रेयर ऑफ रेयर केस होता है, बहुत कम ऐसा होता है, बाकी ज़्यादा तो वो आपको देख के भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जंगल में ड्यूटी करने जाओगे तो आपको जंगली जानवर अटैक कर देंगे, वो तो नहीं करते। और यदि मान लो 1% कर भी दें तो फिर ये आपका बैड लक है, मत करिए नौकरी, है ना। तो साथियों आई थिंक आपको जो लगभग मेरे जो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन थे उन्होंने सबके जवाब दे दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपको यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके पर्सनल उस पर कमेंट का जवाब भी दूंगा आपको। नहीं दे पाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा आपको जो कमेंट आपके जो क्वेश्चन है उन सब के बारे में मैं उसको कवर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो मुझे आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप जब मुझे देखते हो तो मुझे दिल से खुशी होती है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा, और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।